आज पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया था और उसके साथ साथ एक कॉल दी गई थी किसान संयुक्त मोर्चा और तमाम किसान संगठनों द्वारा कि 3 घंटे के लिए पूरे देश और प्रदेश के टोल फ्री किए जाएंगे। इस वक्त हम सरसोद बिचपड़ी टोल प्लाजा पर मौजूद हैं और यहां पर 3 घंटे के लिए टोल फ्री कर दिया गया है और तमाम किसान संगठनों के नेता, कार्यकर्ता और किसान लोग यहां पर मौजूद हैं। उनसे बातें करते हैं कि किस प्रकार से आज की ये कॉल दी गई है। किसानों ने आज जिस प्रकार से आह्वान किया था कि वो 3 घंटे के लिए टोल फ्री करवा देंगे, इस वक्त हम सरसोद बिचपड़ी टोल प्लाजा पर मौजूद हैं और आज किसानों का समर्थन में यहाँ पर राजेश संदलाना, जो कांग्रेस के ICC के मेंबर भी हैं और बरवाड़ा से वरिष्ठ नेता है, वो हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार से आज किसानों का आंदोलन जो है, टोल फ्री का आह्वान था, वो चल रहा है और क्या वो इस समर्थन में कहना चाहते हैं। स्वागत है राजेश जी आपका। आपको भी राम राम बड़े भाई। राजेश जी, जिस प्रकार से किसानों ने आह्वान किया था कि टोल फ्री करवाएंगे, क्या टोल फ्री करवा दिया गया है? मैं टोल फ्री तो हो गया, सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ, हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस दिन से हमारे किसान साथी पंजाब वाले चले थे और इस सरकार ने रास्ता रोकने का उनका काम किया, तो उनका उसी रात को बयान आ गया था, पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, इनकी जितनी भी मांगे हैं जिस दिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में होगी पहली कलम से इनकी मांगे पूरी कराई जाएंगी। और उसी के साथ हमारे आदरणीय नेता रणदीप सुरजेवाला का भी आपने ट्वीट और उसके बयान सुन लिए थे, तो आज पूरी कांग्रेस पार्टी, वैसे तो हमारे अंदर किसानों का खून है, हम किसान हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, 36 बिरादरी, मजदूर, सब तबका किसानों के साथ है। आज 3 घंटे का ऐलान था 12 से 3 बजे तक टोल फ्री का, पूरे प्रदेश के अंदर टोल फ्री है। और अब मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ इस खट्टर सरकार को और इस मोदी सरकार को, ये अपना तानाशाही रवैया बदले। पहले रोड जो आम आदमी रोक देता था उस पर मुकदमा दर्ज करते थे, और आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करता हूँ, इस हरियाणा खट्टर सरकार पर और मोदी सरकार पर जो इन्होंने, पुलिस वालों ने, इस प्रशासन ने रोड रोक रखे हैं, मोटी मोटी दीवारें कंक्रीट की बनाकर और किले ठोक रखे हैं किसानों के छाती में, इन पे मुकदमा दर्ज करें और हमारे किसान भाइयों की जितनी मांगे हैं वो एक कलम से पूरा कराने का काम करें, नहीं तो जो गद्दी पर बिठाना जानते हैं तो गद्दी से उठाकर फेंकना भी जानते हैं। ये किसान कौम ऐसी है जो पूरे संसार का पेट भरती है। राजेश जी, लगातार आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत निंदनीय है और बड़ा घटिया क्रम है इस सरकार का। हमारे हजारों किसान साथियों के ऊपर गोलियां दागी गई हैं, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और बहुत से साथी घायल हैं, तो बस ये आपके माध्यम से यही है, अब किसान उठ खड़ा हुआ है, इसके साथ मजदूर भी उठ खड़ा हुआ है, कर्मचारी भी आज उठ खड़ा हुआ है, हर एक तहसील ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब कर्मचारी भी आज धरने पर बैठे हैं। 36 बिरादरी पूरा तबका किसानों के साथ है और 18 तारीख को बड़ा फैसला होने के बाद, जैसे पहले बड़ी हुंकार भरी थी, सभी किसान दिल्ली में मोदी की छाती पर डटेंगे और अपनी मांगे पूरी कराकर ही वापस लौटेंगे। जी, ये थे हमारे साथ राजेश संदलाना, जिनका सीधा सीधा कहना है कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ हैं। सर बताइए, आपका नाम? मैं भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष दलजीत पंघार। जी सर। देखो, हमारे किसानों की जो मांग है वो 2 साल पहले जो दिल्ली पर बैठे थे और आश्वासन पर उठकर घर आए गए थे, अब हम इस झूठी सरकार का कोई विश्वास नहीं करांगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी, जब तक हम पीछे नहीं हटांगे। आज तो ये एक छोटा सा ट्रायल है और इसका अगर रिजल्ट देखना, किसान सब एक है, पूरा भारत का एक है, ये ना सोचना सरकार अगवाई खाली पंजाब का है, पंजाब का नहीं है, पूरा भारत का किसान एक है, एक नज़र है, एकजुट है, तो हम इस सरकार की ईंट का ईंट बढ़ाने का काम करेगा ये किसान, किसान तन मन से आगे रहेगा, ये मेरी मांग है। आपको क्या लगता है, पहले वाला किसान आंदोलन 13 महीने चला, जरूरत पड़ी तो क्या किसान इतने लंबे समय तक दोबारा भी डट सकते हैं? अरे उससे 10 गुना, इतने दिन तो यूं है कौन रुकता, किसानों तो रुकना है कौन, इतने दिन तो इससे के 20 दिन रह गए। इसको जो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री भाग्या था ने, ये मिलिट्री और पुलिस
ये हथियार फेंकेगी ने, यू न्यू भाजगा जो करो पाकिस्तान वाला भाजया था, देखियो मोदी का भाजना भी देखियो, जो कर यू आया था ने तेजी से न्यू है तेजी तो भाजगा ई भाजका ने लुगाई लड़दी गा देन लगी ए रंडी तने ईशा खसम में लियो मोदी वर्गा वो गाल देन लगी रही सा देश का प्रधानमंत्री मारा दुष्कर्म से लुगाई भी ये गाल देन लगी न्यूकार दी ना रांड हो जे तो आए बिना तनी शाखा से मिली हो जिसा मोदी है। पंगाल जी, लगातार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि किसानों के साथ वार्ता का दौर जारी है, आपको क्या लगता है किसी वार्ता में बात सिरे चढ़ेगी? अरे ये कहने लग रही है ढगोसड़ा है, ये तो टोपी दिखावे हैं, सारा सौदा तो अंबानी अडानी ने दे हैं और न्यू को इसका उलाद भी कोई नहीं, जो उलाद होंगी थी कि मैं भी कौन छोड़ दे इसका बिना ही उलाद कौन छोड़ दा, यू यू उलाद तो इसकी वह है अंबानी अडानी वाली से की है। तो अब आज आपने 3 घंटे का टोल फ्री करवाया, इसके आगे की क्या कॉल आप लोगों को? आगे की मारी ये कॉल है, टोल तो ही भरी कर रहा है, बाकी हमारी मांग चलू है और दिल्ली जाने के लिए लोग सारे तैयार हैं, बाघा बॉर्डर हो कहीं भी हो, हमारे किसानों के वो जो पंजाब वाले किसान उनके साथ है, हमारे आज भी जा रहे हैं लोग। हरियाणा के किसान कब कुछ करेंगे, देख के किसान कब उठ खड़ा होगा? शुरू हो रहा किसान है, ये सबूत देख ले, प्रूफ के सामने सबूत देने की जरूरत नहीं, हम एक है और कोई भी जरूरत पड़ेगी तो हम किसान नहीं महिला भी हमारे साथ चलेंगी, फिर दिखाते हैं इस मोदी को क्या होता है। आप? हाँ भाई, मैं हरियाणा के किसान हाँ, और 3 दिन तक इस बॉर्डर पे बैठे हाँ, नहीं इस बदत्ता वाला बॉर्डर पे, आज किसान नेता ने आदेश दिया हमारे को भाई टोल फ्री करना है, इस करके ओडा 2 दिन खातर थोड़ा आराम है, आज उ रह रहे हाँ, लेकिन 3 दिन वहाँ पाकिस्तान बॉर्डर बना रखा है सरकार ने, इतने किसान घायल हुए हैं, वहाँ में खुद ओडा मौजूद थे, एक बंदा के यहाँ गोली लगी वो हमारे सामने बिल्कुल, और वो जो किसान थे नहीं उनको उठा उठा कर हम सेफ जगह पे लेकर गए हैं, बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर बना रखा है, आप एक बार जाके देखो वहाँ पे, ये सरकार का रवैया बिल्कुल गलत है किसानों के लिए। तो अब किसान आर पार की लड़ाई पर आ चुके हैं, क्योंकि 13 महीने पहले जो आंदोलन चला था उसमें एक आश्वासन उनको दे दिया गया था कि आपकी मांगे मान ली जाएगी, मांगे नहीं मानी गई, फिर आज किसान सड़कों पर। भाई पहला भी झूठ बोली थी, जाट आंदोलन में भी इनके आश्वासन देकर उठा दिए थे, वो भी नहीं मांगे करी, फिर इनके किसानों को भी आश्वासन दे दिया गलत, वो भी नहीं पूरी हुई, लेकिन अब की बार जब तक पूरा उथेली पर नहीं आ जाएगा नहीं सौदा, ये उल्टा नहीं टांगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये किसान आंदोलन ना होकर के इसमें सिर्फ जाट भाग ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, छत्या पैडे घूम के देख लो, हम संदराणा गांव से हैं, 10 जाति तो हम आज इकट्ठे हैं संदराणा गांव से, 50 आदमी आए हैं, ये ट्रैक्टर है हमारा हाँ, 36 बरादरी बिल्कुल किसानों के साथ है, और ये लड़ाई लड़के ही रुकेंगे, जीत के ही रुकेंगे। अरे सरकार ने तो ऐसी बात कहने का ही नहीं नाटक बना रखे है, अगवा एक ले जाट एक ला फलानी चीज है, यू तरीका नहीं है इनका बोलने का। हाँ, जाट जाट का सीर नहीं है देश में। मैं खुद एक वाल्मीकि बिरादरी से हूँ, 13 महीने तक मैं दिल्ली में रहा हूँ, 13 महीने में दिल्ली में रहा हूँ, और मैं वाल्मीकि जाति से हूँ, और मेरे साथ 10 मेरे मजदूर साथी हैं जो खेती और मजदूर हैं या मनरेगा के मजदूर हैं, तो बताओ फिर इसमें जाट कहाँ से आ गया? कहने का भावार्थ ये कि जो बीजेपी द्वारा सरकार द्वारा इस तरह के प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं, ये तो आरएसएस के गुंडे हैं, जो आज भी हमें पहले भी खालिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग परजीवी पता नहीं क्या क्या बोलते थे, उसका क्या असर हुआ उस टाइम इन्होंने हमारे आश्वासन दिया, क्या जब किसान नहीं बचेगा मजदूर कहाँ से बचेगा, मजदूर और किसान नहीं बचेगा तो ये शहर में बैठे जो लोग ये क्या खाएंगे, ये बताओ मेरे को। आपको एक बात बताता हूँ मैं, जब ये नमक था मैंने 25 पैसे किलो नमक देखा है, आज वही नमक 50 रुपये किलो है, जब उसमें ठक्का ठप्पा लग गया ना भाई, उसका टाटा का ठप्पा लग गया, वो 50 हो गया, आज ये किसान और मजदूर की एकता है जो हम रोटी खा रहे हैं, वरना यहाँ भी 150 और 250 रुपये आटा होता पाकिस्तान की तरह, अगर वो सैलो भर जाते तो अडानी के सैलो इतने बड़े बड़े सैलो हैं, आपने पता होगा पूरे हिंदुस्तान की जो अनाज है ना वो खरीद के और एक जगह पर वो इकट्ठा कर लेता, और फिर है ना उसको 2 महीने रोक के देखो, ठीक है हम गाँव के लोग हैं मजदूर हैं, हम 6 महीने का राशन रख लेते हैं, जो शहरों में बैठे हैं जो टाइम टू टाइम एक थैली आटे की लेते हैं फ्लोर मिल से जाती है, क्या उनको मिल जाता खाना, क्या उनको रोटी मिलती? आज वही पाकिस्तान वाला हाल, आज विदेश में जाके तो ये एक मंदिर बनाना चाहता है, और हमारे यहाँ मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, जो हमारे हमारे साथी वो उन्होंने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, इन्हें कब लड़ी थी,
कब मोदी ने लड़ी, कब शाह ने लड़ी। ये कहते हैं कि गांधी नाम इसका फिरोज शाह नाम लिख दिया, अगर शाह तेरा लिखते हैं तो मुसलमान नहीं है, किसी के सरनेम पे जाता है तो फिर तो भी तो मुसलमान है, और मुसलमानों ने हमारे लिए क्या नहीं किया। या आज लाल किले में क्यों झंडा फहराते हैं, वो किसने बनाया था, मुसलमानों ने बनाया था, उनको उसका क्यों नहीं तोड़ते, किसी का रोड का नाम बदल देना, कुछ या कुछ कर देना। आज अगर मरना है ना तो बीजेपी को वोट दो, अगर जीना है तो बीजेपी को हटाओ। आपका नाम? मेरा नाम समुंदर सिंह वाल्मीकि, एक्स सरपंच किरोड़ी। देखिए यहाँ पर 36 बिरादरी के लोग एक मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं कि यह आंदोलन 36 बिरादरी का है, किसानों का है, मजदूरों का है, और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वो इस आंदोलन को डटकर लड़ेंगे। एडवोकेट विक्रम मित्तल जी, आप यहाँ पर पहुँचे, 3 घंटे की कॉल थी, टोल फ्री रखा जाएगा, कैसा कार्यक्रम रहा ये? देखो ये कल जो पूरे हरियाणा के जो संगठन है, किसान संगठन, अलग अलग किसान संगठनों ने ये आह्वान किया था कि 3 घंटे के लिए पूरे हरियाणा के टोल फ्री रखे जाएंगे, और पूरे हरियाणा के अंदर आज 3 घंटे के लिए बड़े अनुशासन प्रिय तरीके से किसानों ने आज टोल को फ्री रखा है। इसके अलावा भी आज भारत बंद की काल के लिए आज पूरे हरियाणा में और पूरे देश में अलग अलग जगह पे रोड जाम लोगों ने किए हुए थे, चक्का जाम पूरी तरीके से था, और बहुत ही शानदार कार्यक्रम ये रहा है। प्रधानमंत्री ने खुद आकर के 13 महीने के आंदोलन के बाद कहा था कि किसानों की जो समस्याएं हैं उनको दूर कर दिया जाएगा, फिर क्या वजह रही कि दोबारा से किसानों को सड़कों पर आना पड़ा? देखिए ये प्रधानमंत्री के सत्र पे ये कोई पहली बार नहीं है। प्रधानमंत्री जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने इस देश की जनता से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, और उनका एक वीडियो कल ही मैं देख रहा था जिसमें वो ये कह रहे थे कि पहली कलम से मेरी कैबिनेट अगर जो पहला डिसीजन लेगी वो ये डिसीजन लेगी कि MSP का कानून देंगे। परंतु वो उस दिन जो 2014 में कहा था उसके बाद 2020-21 में जो किसानों का जो आंदोलन था उसके बाद भी वादा किया, परंतु वादा खिलाफी उसके नरेंद्र मोदी जी के चरित्र में है, उनके खून में है, वो वादा खिलाफी हमेशा करते रहे हैं, वो जुमलों पे काम करते हैं। 2 करोड़ रोज़गार देने का काम उनने किया, वादा किया था, वो उन्होंने पूरा नहीं किया, और इस तरीके से देश के किसानों से, मजदूरों से जो जो वादे किए थे एक भी पूरा उन्होंने नहीं किया। आज पंजाब के किसान बॉर्डर पर हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, इधर हरियाणा के जो किसान हैं वो तैयारी में जुटे हैं, क्या लगता है कि कब तक लामबंद होकर के इस प्रकार की कार्रवाई को अमल लगा ला जा सके? देखिए ये पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा की खट्टर सरकार और दुष्यंत सरकार की हम घोर निंदा करते हैं कि जिस तरीके का व्यवहार उन्होंने किया है, कि वो आप ये कहें किले लगाना और बैरिकेड लगाना, आंसू गैस के गोले छोड़ना, गोलियां चलाना, ये कोई लोकतंत्र का काम नहीं है, और वो हमारे देश के लोग हैं, वो कोई पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं हैं, वो हमारे देश के, हमारे भाईचारे के लोग हैं, और इस देश में कानून और संविधान ये कहता है कि देश का कोई भी नागरिक कहीं भी जा सकता है, तो इसलिए उनको रोका जाना गलत है। और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी यही कहा है कि वो यहाँ से सिर्फ रास्ते से गुजर रहे हैं, हरियाणा सरकार से कोई मांग नहीं ले रहे, और हरियाणा सरकार ने एक उड़ता तीर लिया है, और पंजाब के किसान और उसके साथ साथ हरियाणा के किसान इसका माकूल जवाब हरियाणा सरकार को देंगे। तो अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली? देखिए आगे की रणनीति के बारे में तो विशेष तौर पर किसान जो संगठन है वो रणनीति बनाएंगे, परंतु मेरा ये मानना है कि किसानों का इस बार का जो संघर्ष है वो ये आर पार का संघर्ष होगा, ये संघर्ष अपनी मांगों को मनवाने के ही पूरा होगा, नंबर एक। नंबर दो, अगर सरकार मांगे नहीं मानेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किसान आंदोलन कम से कम इस सरकार को दोबारा सत्ता में नहीं आने देगा। जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, किसान नेता डॉक्टर राजेंद्र सूरा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, 3 घंटे के लिए किसानों ने आज टोल फ्री कर दिए हैं, क्या लगता है इस प्रकार की जो बड़ी लड़ाई लड़नी है उसका ये छोटा संकेत कितना कारगर साबित होगा? आज का जो ये कॉल थी हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की थी, और उस कॉल के ऊपर सभी साथियों ने इकट्ठे होकर के ये 3 घंटे के लिए टोल को फ्री किया है। ये कार्रवाई बहुत बड़ी कार्रवाई साबित होगी, और ये भाजपा के शासन में कफन में कील का काम करेगी, क्योंकि भाजपा जो सरकार है वो लोकतंत्र की दिन प्रतिदिन हत्या करने पर तुली हुई है। आप इनके लोगों को, जो मंत्री हैं इनके, उनको शर्म नहीं आती किसी बात को, एक मिनट में ऐसी बातें कह देते हैं जो प्रदेश को तोड़ने की बातें होती हैं। जबकि जब ओथ ली जाती है तो ओथ में ये कसम उठाई जाती है, जो भी मंत्री बनता है, जो भी चुने हुए पद पे जाता है, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई और पद पे जाए, उसमें ओथ लेते हैं कि हम हमारे प्रदेश को, हमारे देश को एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे।
लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे बयान दे देते हैं। अभी हमारे हरियाणा के गृह मंत्री जी हैं अनिल विज साहब, उन्होंने किसानों के ऊपर आरोप लगा दिया कि वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा पर व्यवहार किया जाता है। अरे विद साहब, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो सोचो, अपने गिरेबान में झाँको। आप किसान और मजदूर बेचारा अपनी मांगों के लिए दिल्ली जाने की बात कर रहा है, आप लोगों ने सड़क को रोक दिया, आप लोगों ने दीवार बना दी, आप लोग लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रहे हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसा व्यवहार कर तो भारतीय जनता पार्टी रही है हरियाणा के और पंजाब के लोगों के साथ। आदरणीय माननीय जो हमारी हाई कोर्ट है, उसने भी संज्ञान लिया, उसने भी ये कहा है कि भाई सरकार से पूछा कि सड़क रोकने का आपने अधिकार कहाँ से मिल गया, मतलब सड़क पर जाने के लिए रोक रहे हैं, शांति प्रिय आंदोलन नहीं करने दे रहे, शांति प्रिय दिल्ली जाना उनको कहते दिल्ली नहीं जाने देंगे। तो मतलब ये व्यवहार, इस तरह का जो तानाशाह व्यवहार है, ये मैं इसकी निंदा करता हूँ। और मैं किसान हूँ, उसके बाद मैं किसी पार्टी का पदाधिकारी भी हूँ और पार्टी से संबंध भी रखता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय नेता राहुल जी, उन्होंने भी, आदरणीय हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी, उदय भान जी ने भी, यानी कि सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी ये घोषणा कर दी है कि वे कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से किसान आंदोलन के साथ है। और उन्होंने हमें भी दायित्व दी है कि आप लोग जाकर के किसानों का साथ दें, किसानों का समर्थन करें। और वो हमारे को हिदायत दी, मैं तो ये कहता हूँ हिदायत हो या ना हो, हम पहले किसान हैं, ठीक है। इस प्रकार से बयान आ रहे हैं बीजेपी पार्टी की तरफ से कि ये किसान आंदोलन नहीं, ये कुछ पार्टियों के बरगलाए हुए लोग हैं, ऐसा है कि जिस तरह से आप लोगों ने समर्थन दे दिया उसके बाद इस प्रकार के बयानबाजी आने शुरू हुई? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो काम है तोड़ना, जोड़ना जानते ही नहीं, उनका काम है नफरत फैलाना, चाहे वो जात पात के नाम से फैलाएं, चाहे वो धर्म के नाम से फैलाएं, उनका काम है जोड़ तोड़ करके किसी तरीके से सत्ता में बने रहें। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात उनको बता देना चाहता हूँ, समय आ गया है, देश की जनता, प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है। ऐसे तानाशाह लोगों का, जो भाईचारे को ख़राब करने वाले लोग हैं, जो जात पात का जहर घोलने वाले लोग हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, उनका अंत आएगा, उनको सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। और जो आदमी किसान और मजदूर, असाधारण व्यक्ति, छोटे व्यापारी की बात करेगा, कर्मचारी की बात करेगा, वो लोग सत्ता पे काबिज होंगे। और उन्हीं लोगों को सत्ता पे काबिज होने का सही माने में हक है जो 36 बिरादरी के भाइयों का और समाज के हर वर्ग का ध्यान रखें। पिछले समय में जैसे सरकार थी कांग्रेस की, हुड्डा साहब की, हर वर्ग के लिए उन्होंने फायदे का काम किया, और आगे भी जब सरकार आएगी तो हमारी पार्टी का, हुड्डा साहब का और हमारे आदरणीय उदय भान जी का, हरियाणा के लिए जो हमने घोषणा पत्र जारी किया है वो पूर्ण रूप से लागू होगा सरकार आते ही। और आज मैं एक बार फिर कहता हूँ, मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ, मजदूर भाइयों से निवेदन करता हूँ, छात्रों से निवेदन करता हूँ, और हर पार्टी के आदमी से भी निवेदन करता हूँ, जो किसी पार्टी किसी भी दल से संबंध रखता हो, आज किसान संकट की घड़ी में है। इस संकट की घड़ी में हम सबको इकट्ठे होकर के किसान और मजदूर का साथ देना चाहिए, अन्नदाता का साथ देना चाहिए, क्योंकि हम 80 करोड़ लोग हैं, किसान और मजदूर इस देश के अंदर 80 करोड़ लोग हैं। अब 80 करोड़ लोग सड़क पर घूम रहे हैं, और मुट्ठी भर लोग अंबानी अडानी जैसे जो सरकार को, बीजेपी को, गवर्नमेंट को चलाते हैं, वो इस सरकार की चाबी हैं, इस सरकार को घुमाते हैं, इन्हीं के कहने सरकार काम करती है। आप एक बात देख लो ना, कितना अन्याय हो रहा है। किसानों को अपनी मांग पूरी करने के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है, मजदूरों को सड़कों पर आना पड़ रहा है, कर्मचारी को सड़क पर आना पड़ रहा है। हमारे यहाँ से सांसद रहे हैं राज्यसभा के, सुभाष गोयनका जी, 8.5 हज़ार करोड़ रुपये माफ़ कर दिया एक व्यक्ति का, 8.5 हज़ार करोड़ रुपये। और ऐसे ऐसे हजारों कारोबारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, जिनके हजारों लाखों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माफ़ कर दिए। और किसान के 1,000 रुपये माफ़ करने हो तो सड़क पर आकर के मुआवजा लेना हो तो उन्हें सड़क पर आके आंदोलन करके मुआवजा लेना पड़ता है। डॉक्टर राजेंद्र सूरा ने कहा कि वो पहले किसान है, बाद में जा करके किसी पार्टी के पदाधिकारी या नेता है। क्या लगता है अगर इस प्रकार आज एक किसान के शहीद होने की सूचना है, वो अपने साथियों के साथ इतने बड़े आंदोलन में अगर गोलियाँ भी खानी पड़ी तो आगे रहेंगे? बिल्कुल, किसानों के साथ भी रहेंगे और किसानों के आगे रह करके किसान आंदोलन में हम हिस्सेदारी करेंगे। क्योंकि हमारा दायित्व बनता है, राजनीति बाद में है,
आप जब किसान जिंदा नहीं रहेगा, अन्नदाता नहीं रहेगा, मजदूर नहीं रहेगा, इस देश का 80% जनता नहीं रहेगी, तो राजनीति और ये दूसरी चीज़ें तो बाद की चीज़ें हैं। ये जब आएंगी, जब देश के अंदर अमन चैन होगा, छत्तीस बिरादरी के भाई मिल बैठ करके काम करेंगे, किसान खुशहाल होगा, मजदूर खुशहाल होगा, दूसरी बातें तब सोची जाएंगी। सबसे पहले है किसान के जो मांगे हैं वो पूरी हों, यह आंदोलन कामयाब हो। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सभी साथी मिल करके इस आंदोलन में किसान और मजदूर भाइयों का साथ दें, ताकि तानाशाह सरकार को झुकाया जा सके। दिल्ली कुछ करने की बात होगी तो कितने साथियों के साथ डॉक्टर राजेंद्र सूरा कुछ करेंगे? मैं पहले भी मेरे साथियों को लेकर के दिल्ली सभी बॉर्डरों पर हफ्ते हफ्ते के लिए रहा, और अभी भी साथियों के साथ में लगभग 1000 साथियों का जत्था, अगर हमारी जो ड्यूटी लगेगी, किसान नेता जो भी संगठन हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के जो ड्यूटी लगाएंगे, हम उसको अपनी मुस्तैदी से निभाएंगे, जो आदमियों के हिसाब से भी और कोई ट्रैक्टरों की जिम्मेवारी लगाएंगे उसके हिसाब से भी, जो भी जिम्मेवारी लगेगी, इस आंदोलन में तन मन धन नौछावर करने के लिए राजेंद्र सूरा तैयार है जी। भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष सुमन हुडा है। सुमन हुडा जी, 3 घंटे के लिए टोल फ्री किया गया है, क्या कॉल है आप लोगों के पास और किस प्रकार ये आंदोलन चला रहे हैं? देखिए, ये जो हम MSP को लेके लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमने पहले भी बॉर्डरों पे जब बैठे थे तब शुरू की थी, तब अधूरी रह गई, अब हमने ये लड़ाई शुरू की है। अभी फ़िलहाल सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से उस किसान को श्रद्धांजलि देना चाहूँगी जो आज शंभू बॉर्डर पे शहीद होने की खबर है। हमारे बच्चे जान देते जा रहे हैं मुद्दों की लड़ाई के लिए, और लोगों से अपील करना चाहूँगी कि उन बच्चों का साथ दीजिए, बाहर निकलिए और अपने ज़मीर को ज़िंदा कीजिए, घरों में बैठने से काम नहीं चलेगा। आगे प्रोग्राम आपको बताना चाहूँगी कि कल भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की मीटिंग हुई थी, जैसे कि लोगों की डिमांड थी, सभी लोग पूछ रहे थे कि आप घर में क्यों हैं। हम घर में नहीं थे, हम किसानों के साथ मन से हैं और हम अपनी बातचीत और रणनीति बना रहे थे। कल पूरी प्रदेश की मीटिंग थी, उसमें ये सलाह बनी कि आज 3 घंटे के लिए टोल फ्री होगा, जो टोल पे लोग आएंगे उन सबको हम बताएंगे अगली कॉल के लिए, जैसे क्योंकि नेट तो बंद किया हुआ है, अगर हम एकदम से कोई बड़ी कॉल देते हैं तो सबके पास मैसेज नहीं जाता, और अगर हम आधे अधूरे होके चलते हैं ना तो फिर हमें सफलता नहीं मिलती, पूरी तैयारी के साथ चलना पड़ता है। तो आज हम टोलों पे इकट्ठे हुए हैं, 3 घंटे टोल फ्री किए हैं हमने, यहाँ सब लोगों से बातचीत की है, आगे के संदेश दिए हैं। कल हमारे जितने लोग आए हुए हैं ये गांवों में जाके आज संदेश देंगे, तो कल तहसील लेवल पे ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा 12 से 2 बजे तक के लिए। आधी जागरूकता वहाँ से आएगी, वहाँ से और बात पहुँचेगी लोगों तक, तो धीरे धीरे एक एक बंदे के पास बिना इंटरनेट के भी हमारा एक एक आदमी, औरत, मजदूर, किसान जो भी है, सभी संगठन वो जुड़ जाएंगे, और उनको जोड़ के परसों 18 तारीख को हमने कुरुक्षेत्रा में मानसरोवर पार्क पे सभी की एक सभा बुलाई है, एक मीटिंग बुलाई है, उसमें सभी खाप चौधरी, हर मौजूद व्यक्ति जो जिंदा जमीर वाला है, खुला आमंत्रण है, हर मजदूर संगठन, किसान संगठन, यहाँ पे हम ये संगठन वो संगठन नहीं दे रहे, सभी के लिए कॉल है, किसान, मजदूर, विकलांग संगठन, महिला संगठन, ट्रेड यूनियंस, पंचायत संगठन, नंबरदार संगठन, A to Z जितने भी हमारे संगठनों से लोग जुड़े हुए हैं, टोल कमेटियां हैं, लंगर कमेटियां हैं, हम उन सबको बुला रहे हैं, वहां पे इकट्ठे हों, पूरा हरियाणा एक होके सभी एक जगह बैठ के और एक कॉल दें, मतलब हम सब लोग मिलके प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, सभी अपने संगठनों के हिसाब से प्रयास कर रहे हैं, पर ये लड़ाई किसी एक संगठन की तो नहीं है, और ना ही ये इतनी छोटी सी है कि कोई एक संगठन लड़ाई लड़ रहेगा, ये हर किसान और मजदूर की लड़ाई है। जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो क्या इस कुरुक्षेत्र वाले कार्यक्रम के बाद दिल्ली कूच का कोई कार्यक्रम बन सकता है? अगर हमारी किसान मजदूर सरकारी, हमारे खाप चौधरी, हमारे जो बुजुर्ग हैं, अगर वो ऐलान करते हैं तो ज़रूर बन सकता है, पर फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सांझी जब तक मीटिंग होगी और सांझा फैसला नहीं आता तो उससे अलग बयान देना शायद सही नहीं होगा। तो अलग अलग किसान संगठन हैं बहुत सारे, लेकिन अभी तक एकजुट होकर के नज़र नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह मानते हैं? वजह देखिए, जब ये कॉल दी गई तो आपको एक उदाहरण देती हूँ, राजस्थान वाले अगर मान लीजिए एक यूपी जाते हैं तो वो दिल्ली को पार करके जाएंगे ना, दिल्ली पार करने के लिए दिल्ली वाले रास्ते तो पार करने पड़ेंगे, उन लोगों से तो बात करनी पड़ेगी। अब ये पंजाब वाले भाई जब उठ के आए तो उनको हरियाणा वालों से बातचीत करनी चाहिए थी, सभी से बातचीत करनी चाहिए, जिस हरियाणा ने उनके ऊपर फूल बरसाए थे, जिन्होंने उनका हर दूध लस्सी पानी से स्वागत किया था, हर जगह उनका सहयोग दिया था, अपनी छाती अड़ा के खड़े हुए थे, उनको शामिल करना वो भूल गए, एक आध संगठन कर लिए पर ये पूरा हरियाणा तो शामिल नहीं हुआ ना।
उनकी गलती ये रही कि जब हम सांझी लड़ाई लड़ते हैं ना, वहाँ पे हमारी ईगो बीच में नहीं आनी चाहिए, तो उन लोगों ने बातचीत नहीं की तो दूसरे जा नहीं सके। एक और चीज़, लोगों ने बोला कि आप क्यों नहीं जा रहे, आप घरों में बैठे हैं। आज हम बिना बुलाए चले जाएं, कैजुअल्टी हो गई, दिक्कत हो गई। ये जो सरकार के प्रबंध है ना, इस बार ये बंदों को मारने वाले प्रबंध हैं। कोई गलती से दो चार मौत हो गई तो कह देंगे भाई हमने तो आपको बुलाया नहीं था, आप तो हमारे बंदे मरवाने आ गए। कल कुछ लोग गए इधर खनौरी बॉर्डर पे, कुछ संगठनों के लोग गए ये कहने कि हाँ भाई हमारा समर्थन है, तो उनको ये बोला गया कि आप वहीं रहिए, जब हमें ज़रूरत होगी हम बुला लेंगे। हमारी तरफ से भी मैसेज भिजवाए गए कि अगर दल्लेवाल साहब कहते हैं कि उनको हम साथ मिलके चले तो हम चलेंगे, पर वो कह रहे हैं कि जी हमारी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों पे अगर आप आएंगे तो हम शामिल करेंगे। तो क्या ये जो किसान आंदोलन की मांग है 12 के करीब जो मांगे, उसके अलावा किस प्रकार की शर्तें बीच में लेकर के आ रहे हैं, तो कैसे आंदोलन जीता जाए? देखिए, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी की जो सोच है वो एक राजनीतिक सोच है। वो कह रहे हैं कि आप पूरा खुला ऐलान कीजिए कि हम लोग राजनीति नहीं करेंगे। लड़ाई जो लड़ी जाती है ना, उसमें अलग अलग तरह के विचार होते हैं, उसमें सभी के विचार नहीं मिलते। पांच उंगलियां भी बराबर नहीं है, हमारे घर में रहने वाले पांच लोग भी बराबर नहीं होते, तो सबके विचारों से समझौता नहीं किया जा सकता, सब अपने तरीके से चलते हैं, तो आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते। और जब आपको ज़रूरत हो, आज लोगों की बच्चों की जान पे पड़ी हुई है, अगर आज भी उनको शर्तें सूझ रही हैं ना, तो मैं इस चीज़ की निंदा करती हूँ। एक होने का वक्त है, शर्तें रखने का वक्त नहीं है, उन बच्चों को बचाने का वक्त है। और दूसरी बात आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी, शायद थोड़ी कड़वी है, लीडर वो होता है जो निडर होके आगे चलता है, लीडर वो नहीं होता जो 200-200, 500-500 मीटर पीछे जाके बैठ जाता है। ठीक है, सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी से हमने ये सीखा है कि अगर हम पब्लिक को साथ लेके चल रहे हैं ना, तो सामने लाठी और गोली खाने के लिए हम आगे रहें, ना कि हम पब्लिक के पीछे जाके बैठ जाएं। तो आपने ये बच्चे मरवाने के लिए कैसे छोड़ दिए, आप अगवाई कीजिए। अब आप क्या, जैसे आपने बताया कि आज का जो कॉल था वो हो गया है, इसके बाद क्या लगता है आपको कि सभी संगठन एक स्थान पर आकर के दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, लड़ाई लंबी है और बड़ी, पहले भी 13 महीने आप लड़ाई लड़ चुके हैं, तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक एक संगठन लड़ेगा तो कामयाबी हासिल हो। एक एक संगठन के लड़ने से भी लड़ाई नहीं हो सकती, एक स्टेट के लड़ने से भी लड़ाई पूरी नहीं हो सकती, पर हम हरियाणा से हैं, हम हरियाणा को संभालना चाहते हैं, सबको मिला के चलना चाहते हैं, तो हमने सांझी कॉल दी है और संयुक्त मोर्चा ने भी परसों की कॉल दी हुई है दिल्ली मीटिंग की। अगर वो कहते हैं कि हाँ भाई आप लोग आएँ, तो हमारे बंदे भी वहाँ जाके उन चीज़ों में शामिल होंगे, हम झुकने के लिए तैयार हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पे लड़ाई ईगो की नहीं है, यहाँ पे लड़ाई हॉर्न बचाने की है, नस्ल और फसल बचाने की है, तो हम लोग हर तरीके से सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, अपनी जान देने को तैयार हैं। और इन लड़ाइयों में, जैसे कि आपने बोला ये संगठन वो संगठन नहीं देखा जाता, पब्लिक आम किसान है आपके पीछे, अगर ये आम किसान आपके साथ नहीं आएगा तो नेता क्या वहाँ खड़े होकर अकेले घंटी बजाएंगे भाई? ठीक है, तो नेता जो है वो किसानों से मजदूरों से है, वो किसी वहम को ना पालें कि हमने अगर एक अपने पीछे राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष लिख लिया तो मैं पूरे स्टेट का या पूरे जो है राष्ट्र का जिम्मेवार हो गया। जिम्मेवार वो होता है जो अपनी जान आन बचाने के लिए सबको इकट्ठा करे और झुक के चले। जी, ये थी हमारे साथ सुमन हुड्डा, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एकजुट होकर ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चढ़ूनी के सलाहकार हैं सर, आपके ऊपर जिम्मेवारी है सलाहकारी की, पूरे प्रदेश को आप संभाल रहे हैं, तो किस प्रकार की सलाहों का दौर चला हुआ है? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जो शंभू बॉर्डर पर एक किसान शहीद हुआ, उसको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं और नमन करते हैं। देखिए, कल जो हमारी मीटिंग हुई, बहन सुमन भी वहीं पर थी, मैं भी गया हुआ था, हमारे और साथी गए हुए थे, मीटिंग में यही फैसला शुरुआत के लिए फैसला हुआ था भाई पहले हम शुरुआत इधर से करते हैं, टोलों से, भाई एक संदेश भी जाएगा क्योंकि इंटरनेट बंद है, तो पहली कॉल तो ये थी। उसके बाद जो हमारे साथी है दूसरे संगठन, जैसे पगड़ी समाला जट्टा है, हमारे टोल कमेटियां हैं, तो इन्होंने भी कॉल दी भाई हम मिलकर के लड़ेंगे। इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की, और जो आज भारत बंद है उनका भी हम साथ दे रहे हैं, वो हमारा साथ दे रहे हैं, मिलकर हम सब लड़ रहे हैं। और दूसरे कॉल कल बहन जी ने बताया, सुमन जी ने, जो कल की कॉल है ट्रैक्टरों की है, मैंने यहाँ भी अपील की है भाई मिलकर के आप ये ट्रैक्टर यात्रा भी कल की तहसीलों पर मिलकर निकालें। और जो कल की मीटिंग में जो सलाह की बात आपने की, जो मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ चढ़ूनी साहब का, और वो मानते भी हमारी सलाह अगर अच्छी होती, तो कल मैंने वहाँ पर से एक विचार रखा था भाई,
लोगों में चर्चा है, वे संगठन बैठे हैं, तो आप सीनियर भी हो और सबसे बड़ा संगठन भी आज के दिन हरियाणा में है, क्योंकि पंजाब में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ भी, हिमाचल में, सब जगह संगठन है गुरु नाम सिंह चटूनी का। तो आप हरियाणा के बड़े सूझबूझ के वाले नेता हो, आप सभी संगठनों को बुला करके और मिल करके, चाहे कोई भी संगठन है, खा पंचायत है, टोल कमेटी है, हमारी जो पंचायत एसोसिएशन है, सरपंच एसोसिएशन है, तो सब को बुला करके आप एक होकर के लड़ाई लड़े किसानों की। ये कोई एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ठीक है, घोषणा वहाँ से होगी जल्दबाजी में, पंजाब से जो डल्लेवाल जी है, लेकिन उन्हें सबको बुलाना था, जैसे पहले हमारा संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया था दिल्ली जाने का, उन्होंने जल्दबाजी में फैसला लिया। और दोगली नीति में कहूँगा, पहले मैं बताता हूँ, जो सुरनी साहब ने बात मानी हमारी, और कॉल दी सबको, आप मैसेज करिए, जिले वाइज हमारी ड्यूटी लगाई है, 18 तारीख की मीटिंग है, और 18 तारीख को एक दिल्ली मीटिंग है संयुक्त मोर्चे की, उसमें भी हम अगर बुलावा आएगा तो हम जाएंगे। और जो दोगली नीति सरकार कर रही है, एक तरफ तो गोलियां मार रहे हैं किसानों को, लाठियां मार रहे हैं, हमारे एक नौजवान की, 18-20 साल का नौजवान था, उसकी आँख चली गई एक, और एक जवान आज शहीद हुआ। नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं दिल्ली, वहाँ पर बैठ के 300 मीटर दूर बैठ करके, और पंजाब का मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मंत्री है, और एक तरफ युवाओं के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है। आज आपके सामने एक किसान शहीद हुआ, तो समझ में नहीं आ रही, हमारे नेताओं को आगे आके लड़ाई लड़नी चाहिए पहले, अगर पुलिस की तरफ से गोलियां लाठियां चलाई जा रही है। तो देखिए, बातचीत का अगर कोई रास्ता खुला है, बातचीत करिए, एक तरफ बातचीत चल रही है, एक तरफ गोली चल रही है, तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा। इसीलिए हमने फैसला लिया, हम किसानों के साथ हैं, मजदूरों के साथ हैं, जो आंदोलन चला हुआ है, MSP की मांग है, हम उन किसानों के साथ खड़े हैं, दिल से खड़े हैं, मिलकर के ये आंदोलन लड़ेंगे पूरे हरियाणा का किसान जी। इस वक्त हमारे साथ सर्व जातीय सहारन खाप के प्रधान और युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तेंद्र सहारन मौजूद है। किसानों ने 3 घंटे के लिए टोल फ्री किया, कांग्रेस की क्या तैयारियाँ हैं, किस प्रकार समर्थन देने पहुँचे? देखिए, जो आज का टोल फ्री का जो कार्यक्रम था संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, उसको न सिर्फ समर्थन देते हुए बल्कि इस बात का विश्वास दिलाते हुए पूर्ण रूप से कि पीछे भी, चाहे युवा की बात करूं मैं, और मैं खाप प्रतिनिधि होने के नाते मेरे गांव की तरफ से, गुआंड की तरफ से और इसार युवा कांग्रेस की तरफ से इस बात का पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हैं कि जब जब भी किसान पे, मजदूर पे या 36 बिरादरी किसी भी भाई पे कोई बात आएगी तो युवा कांग्रेस उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी मिलेगी। मैं बात करूं जिस प्रकार का आज व्यवहार किया जा रहा है हमारे अन्नदाता के साथ, पिछले दिनों आपने देखा कि सड़कों पर, वो चाहे कील ठोकने का काम हो, चाहे आंसू गैस के गोले फेंकने का काम हो, चाहे गोलियां चलाने का काम हो, एक आतंकवादियों जैसा व्यवहार एक अन्नदाता के साथ किया जा रहा है। और क्यों आज आंदोलन जरूरी है, यह सिर्फ क्यों किसान और मजदूर का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन हर उस नौजवान का है जिसको अग्निवीर की योजना के नाम पर इस सरकार ने अग्नि में झोंकने का काम किया। यह आंदोलन हर उस माता बहन का है जो पीछे कोरोना काल का और नोटबंदी का नाम देकर के जिनका बजट बिगाड़ने की कोशिश की गई। यह आंदोलन हर उस कर्मचारी का है जो अपनी OPS की मांग लगातार, आपने देखा होगा पीछे जींद, पीछे दिल्ली जंतर मंतर पर जो निरंतर OPS की मांग करने लग रहा है। तो ये आंदोलन 36 बिरादरी से जुड़ा हुआ आंदोलन है और मैं समझता हूँ कि सरकार को ये तानाशाही रवैया छोड़ करके किसानों की मांग पूर्ण रूप से मांग लेनी चाहिए, क्योंकि आप मार्केट में देखते हो हर चीज़ का मूल्य निर्धारित सेवम बनाने वाला करता है, और किसान को चाहे बीज खरीदने की बात हो, चाहे धान को बेचने की बात हो, चाहे गेहूं को बेचने की बात हो, हर बार मंडियों में धक्के खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सत्येंद्र जी, लगातार BJP के नेताओं की तरफ से बयान आ रहा है कि ये तो कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने किसानों को बरगलाने का काम किया है, क्या आप लोगों के समर्थन की वजह से इस प्रकार के बयान आ रहे हैं? देखियो, ये कोई पार्टियों का ना तो कोई आंदोलन से लेना देना, ये तो आम जन का आंदोलन है।
और क्यों आंदोलन के लिए लोग मजबूर हुए? क्योंकि आपने देखा पिछले कुछ सालों से संविधान को खत्म करने की साजिश है। जो लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, जो लोग संविधान को मानते हैं, वो लोग आज सारे सड़कों पर हैं। और संसद में मैं चाहे चंडीगढ़ चुनाव का जिक्र करूं या किसी दूसरे अन्य चुनाव का, ये तो सिर्फ दूसरी पार्टियों को तोड़ने में और संविधान को ख़त्म करने में विश्वास करने वाले लोग हैं। आज ये किसान, आज ये मजदूर भाई अपनी उन मांगों के लिए आंदोलन करने के लिए विवश हैं जिन मांगों का चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात हो या अन्य किसी दल की बात हो, जिन्होंने पूर्ण रूप से कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो एमएसपी देंगे। आज बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो इन तमाम गतिविधियों पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, जहाँ गोले छोड़ने चाहिए थे, मैं बात करूँ चीन बॉर्डर की, मैं बात करूँ पाकिस्तान बॉर्डर की, एक तरफ मेरे को बड़ा दुख होता है इस बात को बताते हुए कि आज से 5 साल पहले 14 फरवरी को किस प्रकार पुलवामा में हमारे नौजवानों पर, हमारे जवानों पर एक हमला करवाया गया, आज तक उसकी जांच कहीं भी नहीं पहुंची है। जो एक डीएसपी इन्होंने गिरफ्तार किया था उसको भी बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो किस प्रकार ये किसान की, चाहे मजदूर की, चाहे नौजवान की, ये सरकार किसी से सरोकार रखने वाली नहीं है। जहाँ इन्होंने गोले फेंकने चाहिए थे, आज किस प्रकार का माहौल बॉर्डर पे, जैसे भारत पाकिस्तान बॉर्डर बना दिया है। और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी ऐसे ऐसे भड़काऊ बयान देने लग रहे हैं, ऐसे ऐसे निंदनीय बयान, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए उनको। ऐसे ऐसे उनको हमारे किसान साथियों को कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी आतंकवादी बताते हैं, कभी किसी पार्टी का समर्थित बताते हैं। उनका कसूर क्या है? सिर्फ इतना ही तो है, अरे मोदी सरकार, आपने कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी कर दी जाएगी, कहाँ है आमदनी दुगनी? बल्कि लागत और महंगाई की मार और किसान पे मजदूर पे मारने का काम किया। सत्येंद्र जी, एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे ले लेता हूँ कि आज 3 घंटे का ये सांकेतिक आंदोलन, उधर से पंजाब के किसान बॉर्डर पर हैं, हरियाणा का किसान क्या इस सांकेतिक आंदोलन के बाद, टोल फ्री करवाने के बाद उठ करके उनके कंधे से कंधा मिला करके फिर उसी प्रकार रूप में आ जाएगा जैसे 13 महीने का आंदोलन चला था? देखिए, कल से पूरे हरियाणा में पंचायतों का दौर है। मैं छोटे छोटे, चाहे ब्याण खाप की बात करूं, सारण खाप की बात करूं, या आज पंचग्रामी जो पुनिया खाप है, सरेडा मतलोडा, आज खरक पुनिया में, कल सिसाए में पंचायत थी, पूरे हरियाणा के कोने कोने में इस बात की पंचायत है कि किसान और मजदूरों से जुड़ी हुई जो ये मांगे को लेकर के आंदोलन चला हुआ है, इसको पूर्ण रूप से समाज के हर वर्ग का इसको समर्थन है। और जैसे पीछे काले कानूनों के खिलाफ आम जन ने लड़ाई लड़ करके उनको वापस कराने का काम किया था, इसी प्रकार आगे भी जो हमारा मुख्य मांग, जो एमएसपी की मांग है, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को लागू करवाने की जो मांग है, उसको पूर्ण रूप से हम लागू करवा के मानेंगे, चाहे हमारा आंदोलन कितने भी लंबा चले। और इसके लिए हमने, और जिस प्रकार हमने पीछे हमारे 750 किसान भाइयों की, मैं नमन करता हूं हर उस किसान साथी को जिनकी वजह से हम आज सांस लेने के लिए, आज खुले में सांस लेने लग रहे हैं, क्योंकि अगर शायद वो 750 किसान भाइयों की शहादत ना होती तो ये मोदी सरकार झुकने पर विवश नहीं होती और ये काले कानून नहीं वापस करती। तो उसी प्रकार से पूरा आंदोलन मजबूती से लड़ा जाएगा, वो चाहे हरियाणा की, पंजाब की, यूपी की, राजस्थान, किसी भी राज्य की बात जी। इस वक्त हम सरसोद बिछड़ी टोल प्लाजा पर मौजूद हैं और 3 घंटे के लिए सांकेतिक रूप से टोल फ्री करवा दिया गया है। यहाँ पर कमेटी के संचालक सदानंद राजली हमारे साथ हैं। आज जो किसान नेताओं ने आह्वान किया था, किस प्रकार का आह्वान था और किस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई गई? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। आज जो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल थी, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि 16 फरवरी को पूर्ण रूप से ग्रामीण भारत बंद रहेगा। उसी कॉल को लागू करते हुए शहरों के अंदर हमने बड़े धरना प्रदर्शन करने हैं, क्योंकि उसमें मजदूर और ट्रेड यूनियन के साथ उसमें शामिल होने, और तहसील लेवल पर भी हमने इसी तरीके से करना है। रोडवेज का पूर्ण रूप से चक्का जाम रहेगा, जितने भी उद्योग और फैक्ट्रियाँ हैं वो बंद रहेगी। और संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया था कि गाँव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और लोकल स्तर पर अपने अपने धरना प्रदर्शन करते हुए लोगों को परेशान नहीं करना है, हमने केवल सांकेतिक रूप से बंद का आह्वान करना है। उसमें हमारे, चाहे सब्जियों की बात हो या दूध की बात हो, गांव में जो बनने वाली चीज़ है वो कोई भी चीज़ शहर नहीं जाएगी, और शहर से कोई भी चीज़ हम किसान और मजदूर लेके नहीं आएंगे। आज पूरे देश का किसान और मजदूर छुट्टी हुए है,
और आज बाडोपट्टी टोल कमेटी ने 3 घंटे का ये टोल फ्री किया, क्योंकि बीजेपी सरकार चाहती है कि देश के अंदर कंपनी राज हो। ये असल में जो टोल है ये टोल गुंडा राज करते हैं, इसलिए हमने टोलों को फ्री किया और अपना शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और रही आगे की बात, संयुक्त किसान मोर्चा की 18 तारीख को दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी बैठक होनी है, उस बैठक में फैसला लेंगे कि आगामी आंदोलन किस तरीके का होगा। संयुक्त किसान मोर्चा जैसा भी फैसला लेगा, बाडोपट्टी टोल कमेटी पूर्ण रूप से उसको लागू करेगी, चाहे ट्रैक्टर ले जाने की बात हो दिल्ली के बॉर्डरों पर, या रास्ते रोकने की बात हो, या टोल फ्री करने की बात हो। जो भी सरकार हमें संयुक्त किसान मोर्चा में आदेश देगा उस आदेश का पालन करेंगे। और जो सरकार जिस तरीके की तानाशाही रवैया अपनाए हुए है टोल पट्टी बाडोपट्टी टोल कमेटी की तरफ से, कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं और कहना चाहते हैं कि एक तरीके की ये खुली जेल बना दी गई है। ये देश के लोकतंत्र पर हमला है, ये दो देश का जो डेमोक्रेसी है, देश का जो लोकतंत्र है, उसकी हत्या करने का काम किया जाने लग रहा है। नेट बिल्कुल बंद है, सड़कें जगह जगह खोदी जा रही है, बड़े बड़े बैरिगेट लगाए जा रहे हैं और फाड़े और किले गोपी जाने लग रही सड़कों के ऊपर। ये असल में जो संविधानिक हमने मानवीय मूल्य हमारे, जो संविधान हमें डेमोक्रेटिक फंडामेंटल अधिकार देता है, हर नागरिक का जो मूल अधिकार है, उसके ऊपर हमला है। चाहे मजदूरों की बात हो, किसानों की बात हो, कर्मचारियों की बात हो, आज सभी ने हमने मिलकर साझा रूप में ये भारत बंद का आह्वान किया था और हमारी तरफ से भारत बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद रहेगा। 12 से 3 बजे तक का हमने टोल फ्री करने का किया था और धरना प्रदर्शन का किया था, वो हमारा पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है जी। ये थे हमारे साथ सरदारनंद राजली, जिन्होंने कहा कि जो किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से आह्वान किया गया था भारत बंद का, वो भी सफल रहा है और 3 घंटे के लिए जो टोल फ्री करने की बात की गई थी वो भी इन्होंने करवा दिया है। अब देखने वाली बात है कि ये छोटा सा संकेत सरकार के लिए कितनी बड़ी चेतावनी होता है और आगे किसानों की किस प्रकार की रूपरेखा रहेगी, ये भी आज से 18 तारीख को जो संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी मीटिंग है उसमें तय कर ली जाएगी। एक छोटा सा ट्रायल बताया जा रहा है, इसके बाद आंदोलन पहले की तरह भी लड़ा जा सकता है। इस वक्त सरसोद टोल प्लाजा पर हमारे साथ पगड़ी संभाल जट्टा के प्रदेश महासचिव संदीप सिवाच है। सिवाच साहब, लगातार क्या सभी संगठन एक बैनर के तले आ गए हैं और किस प्रकार का आज जो 3 घंटे का टोल फ्री करने का आपने आह्वान किया था तो वो हुआ है, किस प्रकार की कार्रवाई है? देखिए, पिछले 6 दिन से जिस तरह से बीजेपी सरकार ने हरियाणा का माहौल बना रखा है, जेल के एक जेल की तरह हरियाणा को तब्दील कर दिया गया है। सड़कें जगह जगह बंद कर रखी है, बैरिकेटिंग कर रखी है, इंटरनेट बंद है, गिरफ्तारियां हो रही हैं किसानों की, किसानों के बच्चों की गिरफ्तारी हो रही है। 307 के जो बिल्कुल भयानक मुकदमे उन पर पर्चे दर्ज करके अंदर डाला जा रहा है और जो किसान पंजाब से चल के आए थे उन्हें एक जगह दो जगह बैरिकेटिंग करके जो उनको रोक के उन पर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, उन पर लाठियां से पीटा जा रहा है। इस सब के खिलाफ सरकार की तानाशाही के खिलाफ कल फतेहाबाद की जाट धर्मशाला में मीटिंग हुई थी और उसमें पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति ने ये कॉल दी थी कि आज यानी 16 फरवरी को पूरे हरियाणा के टोल 3 घंटे के लिए फ्री करेंगे। उसके बाद में चटूनी साहब की भी इस पर कॉल आ गई और ये काम सहमति से बन गई, आज लगभग हरियाणा का टोल फ्री है जी। दूसरी बात ये MSP की मुद्दा है, MSP का मुद्दा इस देश में बड़ा मुद्दा है, किसानों को बचाने का मुद्दा है और MSP अगर किसान को मिलेगी तो किसान नहीं बचेगी, नहीं तो किसान नहीं बचती को नहीं दे। शिवा साहब, जिस प्रकार से 13 महीने आंदोलन चला उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद आकर कहा था कि किसानों की मांगे मान ली जाएगी, फिर क्या हुआ जिसकी वजह से दोबारा आंदोलन करना पड़ा? MSP पे कमेटी बनाने की बात हुई थी, सरकार ने एक सरकारी कमेटी बनाई लेकिन उसने कोई काम नहीं किया। अभी भी आज सुबह ही कल ही हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दी है, 184 मुकदमे तो संगीन धाराओं में अभी तक चल रहे हैं, अभी भी बहुत से लोगों पर मुकदमे। लखीमपुर का बहुत बड़ा मामला जहाँ किसानों को कोई किसी भी तरह का न्याय नहीं मिला। C2+50 फार्मूले पर सरकार किसान की फसल को खरीदे, ये बड़े मुद्दे, इन मुद्दों को लेकर हमारे किसान दिल्ली की तरफ जा रहे थे, उनको रोका गया और जब उन पर बर्बरता हुई तो हमने ये कॉल दी। और हरियाणा में एक शुरुआत है आंदोलन की, पूरा हरियाणा कल सिसाए में बड़ी महापंचायत हुई, खेड़ी चोपटा पे बड़ी महापंचायत हुई और करनाल की साइड में कुरुक्षेत्र में चटूनी साहब ने बड़ी महापंचायत करी। धीरे धीरे लोग इस आंदोलन की तरफ चल रहे हैं, सरकारों को झुकना पड़ेगा, ये एक शुरुआत है। और अगर देश का संयुक्त किसान मोर्चा, वो संयुक्त किसान मोर्चा अगर आह्वान करता है जिसने में दिल्ली का आंदोलन जिताया था, अगर वो आह्वान करता है कि आओ दिल्ली, तो फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पूरे देश का किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ दिल्ली भी पहुँचेगा। तो क्या लगता है, लगातार 4-5 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, किसी बात की कोई सिरे चढ़ने की उम्मीद है?
मैं हम तो लगातार टीवी से ही देख रहे हैं क्योंकि नेट तो सरकार ने बंद कर रखे हैं। टीवी से हम देख रहे हैं कि तीन दौर की वार्ता किसानों की सरकार के साथ हो चुकी है, लेकिन सरकार की मंशा इसमें साफ नहीं है। वो बिल्कुल टाल मटोल का रवैया अपनाए हुए है। पिछले 20 सालों में MSP ना दे के किसान का 55 लाख करोड़ रुपए सरकार खा गई है, नहीं तो किसान के कर्जा कहाँ रहता अगर जब MSP पे फसल खरीदते। तो पिछले 5 साल की बात करें तो 14 लाख करोड़ रुपए इन्होंने पूंजीपतियों के माफ किए हैं, MSP ना दे के 10 लाख करोड़ रुपए किसान का खा गए हैं। इसलिए MSP की लड़ाई बड़ी लड़ाई है इस देश में, और धीरे धीरे लगभग सभी संगठन इस पर धीरे धीरे इस लड़ाई में उतर रहे हैं। कल पंजाब के किसान संगठनों ने पंजाब के जिन किसानों के लाठियां लगी थी उनके समर्थन में टोल फ्री करे हैं, रेलों को रोका है, रास्तों को जाम किया है, और उन्हीं किसानों के समर्थन में सरकार अपनी ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई रोके इसके लिए हमने आज ये टोल फ्री किए हैं। और बाकायदा सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर आप गिरफ्तारियाँ नहीं रोकोगे, अगर आप डंडे बरसाना नहीं बंद करोगे, अगर आप बैरिकेडिंग नहीं हटाओगे, तो फिर हम पूरे हरियाणा में पगड़ी समाल जट्टा किसान संघ पूरे हरियाणा को जाम करने की कॉल देगी। तो आज भारत बंद का भी आह्वान था तो कितना सफल रहा? बिल्कुल सर, ट्रेड यूनियनों का ये आह्वान था, मजदूरों का ये आह्वान था, और संयुक्त किसान मोर्चे का ग्रामीण भारत बंद का आह्वान था, वो पूरे तौर पर सफल रहे। आप देख सकते हो कि किसी भी रोड पर कोई भी हमें सरकारी साधन नजर नहीं आ रहा है। रोडवेज की 100% संपूर्ण सफल हड़ताल है, बिजली विभाग की 100% संपूर्ण सफल हड़ताल है, लगभग कर्मचारियों की सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल है। देश का किसान अपने खेतों में काम ना करके आज अपने घरों का दूध लेकर रोड कहीं रोड पे बैठा है, कहीं टोलों पर बैठा है, कहीं खीर बन रही है, और जो संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था वो भी पूरे तौर पर हड़ताल सफल रही है। तो आज ये 3 घंटे के सांकेतिक आंदोलन के बाद जो टोल फ्री का था, आगे की क्या रणनीति रहने वाली? आगे की रणनीति हमने अब संगठन की बात करें तो हमने कॉल दे रखी है कि अगर ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाइयाँ नहीं रुकती है तो फिर हमें अगली कॉल हमारी हरियाणा पूरी तौर पर बंद करने की रहेगी। जी, किसान नेता हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? वीरेंद्र नारायण क्रांतिकारी। क्रांतिकारी मेरे नाम से सचित हो। राम राम आपके चैनल को, आपके दर्शकों को आज जोड़कर राम राम। तो बताइए, जो आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया हुआ है, इसका क्या परिणाम रहने वाला? सरकार को झुका पाएंगे, क्या कर रहे हैं? देखिए भाई साहब, सरकार तो पहले भी झुकाई थी, पहले भी सरकार ने की लगा दी थी दिल्ली में, और दिल्ली में बैठे थे शांति से 28 लॉलीपॉप दे के, मिठी गोली दे के इन्हें न। और इब रही बात पंजाब की, हरियाणा की, सभी संगठन साथ है, पूरा हरियाणा साथ है, पंजाब के भाई गले खड़े हैं, दिल डाट कर लड़ांगे और शांति से लड़ांगे, ना कि विवाद से। और पुलिस भाई ड्यूटी करी है आपकी, मारे बीच में टांगड़ा है, मारे काके ताऊ है, जवान भी मारे, किसान भी मारे, मारे डंडे मारे, मारे आंसू गैस के गोले चलावा है ऊपर है। हम कोई खालिस्तानी नहीं, हम कोई पाकिस्तानी नहीं। अगर इतने गोले मारने का शौक है नहीं, उन उग्रवादियों का मारो जिस थी देश का पट्ठा गोल कर दिया। और रही बात भाई मोदी साहब की, मोदी साहब तो न्यू कव है बोले राम मंदिर में ले आया राम ने, यू कौन है राम ने ले कानिया? राम सबके मन में है, हजारों लाखों करोड़ों गरीब आदमियों के झोंपड़े तुड़वाए, मस्जिद तुड़वाई, उसके बाद में राम का मंदिर बनाया, और कल परसों विदेश में बिक गया उड़ा कृष्ण मंदिर का उद्घाटन करण, 700 करोड़ रुपया मोदी जी ने ला दिया, 85 करोड़ रुपये अंबानी जी ने मोदी जी ते दे दिए, और मोदी जी ने मतलब उसके माफ कर दिए। इतना अगर पैसा खराब कराया है, इतना गरीब आदमी दिंदा जिसके खाने के पास रोटी नहीं है, छत नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, उनके मकान बनवा देते। और भाई एक कानून और मोदी जी ने पास कराया है, बोले लड़का तो लड़का तो शादी करेगा, लड़की लड़की तो शादी करेगी, मतलब संविधान ने भी मिटान पर चल पड़े मोदी जी। देखा हमें तो भाई आंदोलन में घर को नहीं छड़ दे, हम तो सड़कों पर मरांगे। आज़ादी की आवाज़ उठाई थी, क्रांतिकारी भाई थे, उन्हें सल्यूट करूं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, उन्होंने भी अपने परिवारों की कुर्बानियां दी थी, भाई लड़ाके लोग थे, परिवार की कुर्बानी दी थी, जितना उस टाइम तो गोरे अंग्रेज थे। ये हमारे बीच में दल्ले आ गए, मतलब दल्ले का मतलब समझ गए आप, काले अंग्रेज आ गए, बीजेपी के भी लोग आ गए, RSS के कच्छाधारी लोग भी आ गए,
आमे भाई एक आमे हमारा खून है नहीं, यू किसानी है ना, तो जाति धर्म में बंट दे आमे, आमे सबसे पहले तो इंसान हाँ, जाति धर्म में यू मोदी बांटन लग रहा, देश का नाश यू मोदी करने लग रहा, आगे भी जे यह सरकार आएगी नहीं न्यू देखे गेटी पर पाँव टेकेगी, गेटी पर मारे मजदूर मारे किसान मारे जवान कड़ा पड़ेगे, मेरा पूरा समाज न है, मेरा पूरा हिंदुस्तान न है, लड़ाई दिमाग तो लड़ी जे है, राजनीति किसे की नहीं होंगी, राजनीति में हमें जाना भी नहीं चाहते, लेकिन हमें किसाना के बेटे हैं, जरा पसीना बहोगा नहीं, और मैं तो खून देने का राज आपने पता है, एक मैं को नहीं, मेरा पूरा परिवार पूछो आज मेरे गांव के भाई, अरे पूरा परिवार को कौन से बॉर्डर पर है, को कौन से बॉर्डर पर है, बच्चे भी बॉर्डर पर भेज दिए, भाई किसान का नाम रोशन करना है जी, और लड़ते रहेंगे जब तक एक एक सांस बगे है कि नहीं, ना तो पुलिस रोक सकती, ये भी मारे भाई है, लड़ांगे भाई शांति तो लड़ांगे, मारे गोली तो मार देगा, उदन तो सबर आ जाएगा, हम इस देश में रहना है नहीं चाहते, क्यों छोटी ही बात कहूंगा, हमारा देश हो लिया गुलाम दोबारा, इसकी आवाज आजाद करवावांगे नहीं, मारे काके तऊआ ने, मारी बहन बेटिया ने, मातर शक्तिया ने, हर बच्चे बच्चे ने कहना चाहूँ, जिनसे गामा में बैठे कह तो चूड़ी पैर लो ना मर दो, जो चूड़ी पैर लो, अगर किसान की आवाज नहीं उठाई नहीं तो आने वाला टाइम में नहीं किसान का नाम में मिट जाएगा, मजदूर का नाम में धरती पर तो मिट जाएगा, मिटनी है कौन है, यू तन्ना साई कौन है, मोदी, और मोदी की एक बात आपने गाना रिलीज होया था, मोदी जी तेरी तो पकड़ है हम दिल्ली आ गए, इस गाने का मतलब मेरा आपने कह था, मोदी जी आपकी तोप चल है हमें दिल्ली आ गए, मतलब मारा किसान तो आ गया दिल्ली में और तोप चलन दे रहे मारे जवान मारे ऊपर किसान के ऊपर, और बीच में दल्ले बढ़ते रहे मारे, जो जाट आंदोलन भी बेचा था नहीं, यशपाल मलिक ने बेचा था, और उसका जूत लग गए थे झड़ झड़ के टुआना में, और ईवीएम का आगे की क्या रणनीति है, आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा सारे देशवासियों को, आपके दर्शकों को भी, भाई अगर आपने बचना है नहीं, ईवीएम का विरोध कर दो, ईवीएम का विरोध कर दो, और गामा में भी विरोध करेंगे जून से समर्थक मने फिर है नहीं, और भाई यू काटड़ा सुने आपने, काटड़ा हमारे राज्य मंत्री नूप जी के है, इसका विरोध करूंगा, डट के करूंगा, कल्ला करूंगा, मेरे गांव में करूंगा, अगर इसकी आज की बताइए मुझे, आज तीन घंटे का आपने फ्री करवा, तीन घंटे का जो संयुक्त मोर्चा ने फैसला लिया है उस पर हमें फूल चढ़ाने का काम करा, हाँ तड़के का दिन बारह पे है, परसों ट्रैक्टर मार लिकड़ेगा भारतीय किसान यूनियन काटेगी, फिर भी फैसला लिया नहीं तो इस मोदी ने तो गुजरात में पहुंचावांगे, खट्टर ने पहुंचावांगे पाकिस्तान में, और रही बात बैरीगेट की, भाई कितने बैरीगेट ला लियो, डब्बा वाली का भी तोड़ूंगा, वो भी तोड़ूंगा, आगे भी उड़ूंगा, पहली जे ऐसा मर्द का बच्चा है नहीं, पहले मेरे ऊपर गोली चला लेगा साथ जता, अगर साथ जता कोई समाधान होता हो तो मैं मेरी कुर्बानी भी देने तैयार हूँ, मैंने ठाके मेरा तो परिवार ही सड़क पे है, सड़क पर मरूंगा मैं, घर नहीं मरदा, इस परमात्मा ने मेरी लिख रखी है, बेटे कह तो कुछ कर दिए, ऐसा काम कर दिए किसाना खतर हो लड़ाके, हाँ सड़क पर मरना मंजूर है, लेकिन उल्टा एक कदम नहीं हटांदा कह गोली मार दी, साथी में जय जवान और जय किसान, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आज के किसान आंदोलन में बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ सतीश बिठमड़ा, सतीश बिठमड़ा आज का आंदोलन था तीन घंटे टोल फ्री रखने का, कैसा रहा ये? बिल्कुल 101% सफल रहा, और मैं एक विशेष शो की उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, मीडिया बंधुओं से, जिस तरह पिछली बार भी आपने शुरू से लेकर अंतिम निर्णय तक साथ रहे, अब की बार भी उम्मीद भी है, प्रार्थना भी है कि आप लोग ही हो जो हमारे आंदोलन को आगे तक ले जाने की रीढ़ हो। सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार बयान दिए जा रहे हैं कि जाति विशेष का आंदोलन है, नहीं मैं जांगड़ा हूँ, इस आंदोलन में वही भाग लेगा जो जात पात और धर्म से ऊपर उठ के चलेगा, जो इन विचारों के अंदर सिमट के रहेगा वो इस आंदोलन में भाग लेने के लायक नहीं, उसकी औकात ही नहीं इस आंदोलन में भाग ले। वो इधर से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, पंजाब के किसान बॉर्डर पर हैं, गोलियां बरसाई जा रही हैं, उन बैरिकेड्स की दूरी और किसान ने दूरी मात्र कोल की है,
बस एक कॉल। और खट्टर को तो सपने में भी ट्रैक्टर टैंक की नजर तरह नजर आते हैं, भाई टैंक आ गया उसके तो यही है दिमाग में। ये एक कॉल कौन करेगा और किसको करेगा? एसकेएम करेगा, पूरा देश को करेगा, पूरे देश के किसानों को मजदूरों को करेगा। तो उसके बाद? उसके बाद जो होगा निर्णय होगा, वो तो कुछ भी नहीं है, एक मिनट का काम है। सारा कुछ पहले भी था, टूट गया था सारा कुछ, लेकिन हम भी चाहते हैं कि मर्यादा में ही ठीक है। तो क्या लगता है लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी? 319 दिन का एक्सपीरियंस तो है, 320 दिन का करवाना चाहती है तो हम तैयार हैं जी। ये थे हमारे साथ युवा साथी सतीश जांगड़ा, जिन्होंने कहा कि 319 दिन तक किसान आंदोलन लड़ चुके हैं और अगर उससे बड़ा आंदोलन सरकार चाहती है तो किसानों की मांगे ना माने। आज के टोल फ्री आंदोलन में बहुत सारे युवा साथी हमारे साथ हैं। आज जो आप लोगों ने आह्वान किया था 3 घंटे टोल फ्री करने का, कैसा चला है और आगे की क्या कार्रवाई रहने वाली? देखिए, कल हमारी जो सरदार गुरनाम सिंह चंडूनी जी के नेतृत्व में चंडूनी गांव के अंदर गुरुद्वारे के अंदर मीटिंग हुई, उसमें प्रधान जी ने आदेश किया कि कल को 3 घंटे 12 से 3 तक अपना टोल फ्री करवाने हैं। उसके बाद 17 तारीख को अपने मतलब तहसीलों में 2 घंटे ट्रैक्टर मार्च निकालनी है और 18 तारीख को संयुक्त सारे संगठनों ने बुलावेंगे कुरुक्षेत्र धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर के ऊपर। वह सारे संगठन के साथी बुलाए जाएंगे, सारे खाप के साथी बुलाए जाएंगे, जितना जो भी साथी आम किसान भी अगर वहाँ जाना चाहे, मजदूर जाना चाहे तो सबको निमंत्रण है। सारे वहाँ बैठ के एकजुट होकर प्लानिंग बना के अपने साथियों के साथ देंगे। तो कितना असर लगता है आज के भारत बंद का और टोल फ्री आंदोलन? देखिए, बहुत बढ़िया असर रहा, अभी आपने देखा होगा, आप भी यहीं पे बहुत देर से कवरेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा असर रहा और कल इससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। ये जो लगातार संगठन अलग अलग लड़ाई लड़ने की बात आ रही है, गुरनाम चौधरी का अलग है, राज्यवाल का अलग है, फलां का अलग है, तो ये एक कब तक हो जाएंगे? देखिए, संगठन सारे अलग, लेकिन जब भी कोई बात आती है किसान मजदूर की बात आती है सब एक हो जाते हैं। ये देखिए, अपने अपने लेवल पे सब लोगों ने अपने अपने संगठन बनाए हुए, लेकिन जब भी कोई किसान मजदूर की बात आती है, जब भी कोई किसान के ऊपर लाठी चलती है तो सारे संगठन एक हो जाते हैं। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है कि कल ही सारे के सारे इकट्ठे मिलेंगे जी। लगातार किसानों ने पहले 13 महीने तक आंदोलन किया, उसके बाद दोबारा से जरूरत पड़ी कि सरकार ने वादा खिलाफी कर ली, कैसा आंदोलन चल रहा है, क्या आप लोगों की रूपरेखा? नमस्कार भाई साहब, मैं तो एक ही बात बताना चाहूँगा, ये सरकार है ना सिर्फ टेबल की राजनीति करती है, जनता जनादरों और किसानों के जनहित की बात नहीं करती। ये अडानी और अंबानी की सरकार है, 80 करोड़ किसान मजदूर दबे कुचले की सरकार नहीं है। तो अब आप लोगों की क्या रणनीति? अब तो 3 घंटे के बाद टोल तो खुल जाएंगे, लेकिन आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि दिल्ली कुछ करने से किसानों को रोका जा रहा है, बैरिगेट्स लगा दिए गए हैं, आशू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। देखिए, कितना कमज़ोर प्रशासन है, कितना कमज़ोर हमारे देश का प्रधानमंत्री और मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जो एक किसान अपनी आवाज़ उठाने के लिए दिल्ली जा रहा है और उसको रोक रहे हैं। मैं तो नहीं मानता कि वो कोई देश हित और किसान हित के मुद्दों की बात करेंगे, वो सिर्फ देश और प्रदेश की भाईचारे को तोड़ने की बात कर रहे हैं और वो उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाएगी। वो अपने मुद्दों को, जो उनका पहला मुद्दा दब जाता है दूसरा मुद्दा उठा लेते हैं। अभी इस मुद्दे से क्या चाहते हैं कि भाईचारे को तोड़ के देश के अंदर तानाशाह राज चलाना चाहते हैं। तो अब आप लोग आगे क्या करने वाले हैं इसके बाद? क्या मैसेज है किसान संगठनों का, क्या एक होकर के लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, किसान संगठन पहले भी एक था, आगे भी एक रहेगा और जब जब किसान मजदूर गरीब भाईचारे की बात आएगी सब एक जगह इकट्ठे मिलेंगे। हमारे को जो आदेश मिलेगा संयुक्त किसान मोर्चे से, सभी संगठन हमारे, हम सभी संगठनों के एक हैं, आपने देख ही लिया होगा, हम सर्व समाज और भाईचारे का काम करना चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जहां हमारा भाईचारा हमारी जिम्मेदारी देगा, तन मन और धन सब कुछ निछावर करके हम उसको निभाएंगे। 3 घंटे की टोल फ्री कॉल का हमने देखा कि कितने सारे किसान साथियों ने यहाँ पर बात की, किसान नेताओं ने, अलग अलग संगठनों ने अपनी राय रखी और 3 घंटे तक हिसार से चंडीगढ़ रोड पर जो सरसोद बिछवड़ी टोल प्लाजा है उसको फ्री रखा गया। अलग अलग किसान संगठनों ने अपने बयान दिए और सब ने कहा कि आज चाहे वो पूरे भारत बंद की बात हो, ग्रामीण क्षेत्र के जो हरे भारत बंद की बात की गई थी वो पूर्णतः सफल रहा है।